कर हम लोग जब अपना जमीन में खेती कर रहे हैं तो उसमें जोर जबरदस्ती से आते हैं, बोलते हैं मारेंगे काटेंगे। कौन लोग हैं वो लोग? वही हौड़ा महतो लोग बोल रहे हैं कि नहीं से इसमें हम तुमको नापी नहीं करने देंगे। थाना लोग, थाना से भी हम लोग हार गए क्या हैं, बोला थाना? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हम लोग का जानते हैं, हम लोग का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहाँ रास्ता भी नहीं मिल रहा है। सीओ पास जाते हैं, प्रशासन पास जाते हैं। सीओ का बोले, सीओ साहब का बोले? सीओ तो बोलते हैं कि हो जाएगा, नापियल भी भेजते हैं, बाकी वो नापने नहीं देता है। वही होड़ा वहाँ तो नहीं नाप ले देते। अपने आप भट्ठा खोला है मालिक, तो कुछ उसके पास पैसा हो गया है, तो सोचता कि गरीब को हम दबा को और लूट ले। जिस ताके विधानसभा का सेवा करने का मौका एक दलित के बेटे को दिया गया, आज उसी ताके विधानसभा में दलित परिवार अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। दरअसल यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह वह लोग हैं जो भूमिहीन थे और जिन्हें सरकार के द्वारा भूमि दी गई थी, भूदान में भूमि मिली थी, मगर आज उस भूमि पर गिद्धों की नजर है। मैं यह नहीं कहूंगा कि दलालों की नजर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है भूमाफिया जमीन को हेरा फेरी करने में लगे हुए हैं, कब्जा करने में लगे हुए हैं, आज वह खलारी तक पहुंच गए हैं, जो कि कांके विधानसभा का अंतिम छोर माना जाता है। मेरे हाथों में कागज भी है जो जमीन इनको दी गई थी, और बहुत पुराने कागज हैं जो इनको जमीन मिला हुआ था, मगर आज क्या दिक्कतें आ रही हैं इन्हीं से आप सुनिए और जानते हैं क्या दिक्कत आ रहा है आज आप लोग को, जो है लगातार आप लोग जो है खेती कर रहे थे अपनी जमीन पर। खेती कर हम लोग जब अपना जमीन में खेती कर रहे हैं तो उसमें जोर जबरदस्ती से आते हैं, बोलते हैं मारेंगे काटेंगे। कौन लोग हैं वो? वही हौड़ा महतो लोग बोल रहे हैं कि नहीं से इसमें हम तुमको नापी नहीं करने देंगे, इसमें खेती नहीं करने देंगे। जाओ तुम नकल बना के लाना, उसका बाद में नक्शा बना के लाओ, तब नापी यहाँ करने देंगे, बोल के हम लोग को अभी तक दौड़ रहे हैं। हम लोग जब से जमीन का कागज निकाले, रसीद कटा है, पर तब भी बोलता है कि नहीं अभी तेरा रसीद कटल है तो क्या होगा, तुम जाओ अथी बना के लाओ, नक्शा बना के लाओ, तब हम अथी करने देंगे, ऐसे बोल के। और हम लोग को अंचल या थाना नहीं गए आप लोग इस तरह? थाना से भी हम लोग हार गए। क्या बोला थाना? क्या बोला थाना? बोलेगा भाई हम कागज लाइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, कागज दे देते हैं सीओ वीडियो को, वो लोग समझेगा, बोल के वो लोग भी जाते हैं तो बोलेंगे, तो वो लोग भी फिर अथी कर लेते हैं, अपना दे देते हैं, कागज जमा करवाते हैं, बोलते हैं अच्छा सीओ पास हम भेज देते हैं, आप लोग अपना समझ लीजिएगा, बोल के वो भी थाना प्रशासन भी आता है नापी के लिए, थाना प्रशासन भी साथ में आए सीआई के साथ में, तभी नापी नहीं करने दिया, तो थाना प्रशासन भी क्या कर सकता है, इसलिए हम लोग को छोड़ दिए, क्या कहेंगे, जाइए तो अब सीओ के पास जाएंगे, सीओ को भी बोलते हैं, सीओ भेज देता है हम नापी करने के लिए, नापी नहीं करने देता है, उसका फर्जरी कागज होगा तभी तो नापी नहीं करने देता है। गाली गलौज या मारपीट भी किया गया? गाली गलौज नहीं किया गया है, पर अपना जमीन किसी और को दे दिया गया है, और हम लोग का जमीन में हमला करता है कि मेरा जमीन है बोलकर। कौन लोग है, क्यों ऐसा चाह रहा है? नाम भूल गए, क्या मतलब क्या उन लोग का मनसा क्या है, क्यों आप लोग का जमीन पर वो लोग दखल कर रहा है? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हम लोग का जानते हैं, हम लोग का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहाँ रास्ता भी नहीं मिल रहा है। जिनका जमीन है, मतलब हम ही लोग का जमीन था पहले, वो अभी किसी और ने करवा लिए हैं वो जमीन। दादी कधिया से खेती करत रही हूँ? 7 साल से। और उससे पहले भी करते आ रहा था? पहले कब से? जब से मिल रहा है, तो अभी क्या कर रहा है वो लोग, क्या बोल रहा है? अभी तो पूरा लूट के बाउंड्री मार दिया, बाउंड्री भी मार दिया। तो आप लोग नहीं कुछ बोले? जाते थे रोकते थे, बाकी तो तब जबरदस्ती बाउंड्री हो गया, और अभी बंद है, हम लोग अभी जोत के मक्की लगा दिए, मकई लगा दिए। किसी से मिले मुखिया सरपंच विधायक लोग से मिले? हाँ मिलते हैं ना, अति सीओ पास जाते हैं, प्रशासन पास जाते हैं। सीओ का बोले? सीओ साहब का बोले? सीओ तो बोलते हैं कि हो जाएगा, नापियल भी भेजते हैं, बाकी वो नापने नहीं देता है, वही होड़ा वहाँ तो नहीं नाप ले देता है। अपने पेपर खोल लिया है वहीं पे, बगल में भाटा खोल लिया, वही जगह जहाँ हम लोग का जमीन है ना, बस कुछ दूरी में भाटा खोल लिया है। अच्छा, तो कैसा लोग है वो लोग जो कब्जा करना चाह रहा है? कैसा है वो? थोड़ा अपने आप भाटा खोला है मालिक, तो कुछ उसके पास पैसा हो गया है, तो सोचता है कि गरीब को हम दबा को और लूट लेंगे।
आज आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं इस चीज का? आज हम लोग डीसी ऑफिस, उपायुक्त ऑफिस, बस। और कहीं आप लोग दिए हैं आवेदन? ना दिए। क्या क्या समस्या आ रहा है अभी, यार आप लोग चाहते क्या है? भोजन का रसीद नहीं कट रहा है, इसी वजह से हम लोग, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। फिर भी तो जमीन का पेपर है ना आप लोगों के पास? जो लोग कब्जा करना चाह रहा है वो लोग पेपर दिखाता है आप लोगों को? ऑनलाइन में, ऑनलाइन में है। क्या लग रहा है कि वो लोग जो है मिली भगत से जो है फोर्जरी वैसा ऑनलाइन करवाया है, बनवा लिया है, वही कागज को दिखाता है तो हम लोग को बोलता है कि तुम्हारा ऑनलाइन है कागज? हम लोग का तो है ये नहीं है, वही दिखा कर हम लोग का दबा देता है। बिल्कुल, और भी हम लोगों से बात करेंगे। सर, सरकार जर जंगल जमीन वाली बात करती है, मगर इस तरह की घटनाएं कांके विधानसभा में हो रही है? देखिए, ये कांके विधानसभा का ही बात नहीं है, पूरे झारखंड का, 2400 जिला का कहा जाए, जब से झारखंड अलग राज हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ जंगल और विशेषकर जमीन, और जमीन किसका, यहाँ का आदिवासी का, यहाँ का दलित का, यहाँ का मजदूर का, किसान का, जो कमजोर है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, जो कमजोर व्यक्ति है, उनका जमीन लूटने का ही षड्यंत्र कर रहा है। तमाम सीओ, चाहे कोई भी, आप खलारी का सीओ को ही देख लीजिए, हम दौरा में गए हुए थे, खलारी सीओ से बात किए थे, उनको बोले कि भाई ये आदिवासी दलित की जमीन है, इनको बिहार सरकार दिया है गोदान में, उनकी जमीन छीनी जा रही माफियाओं के द्वारा, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई थी, सारे लोगों ने उस दिन, जिस दिन हम गए थे उस दिन, वो लोग आश्वासन दिया था कि हम लोग जांच कमेटी बैठाएंगे, अमीन भेजेंगे और सबका जमीन को नाप नाप कर अलग कर देंगे। उसके बावजूद भी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1.5-2 महीना हो रहा है, उसके बावजूद भी अभी विशेष कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहां जो माफिया है, बड़े लोग हैं, चैनल में नाम भी नहीं लेना उचित समझ रहे हैं, लेकिन वैसे लोग इनकी जमीन को डरा के, धमका के, मतलब लूट ही ले रहा है। मैडम, आप तो ऑन द स्पॉट भी गए थे, क्या कुछ देखने को मिला था वहाँ? वहाँ देखे हम लोगों को, जैसे ये लोग बताए कि हम लोगों का जमीन भूदान में मिला हुआ था, और ये लोग अपना कागज दिखा रहे हैं, लेकिन अभी उन लोगों का कहना है इसमें, देखिए वहाँ का जमीन जितना है ना, इसमें बोलिए तो अब वो लफड़ा जो है पूरा लफड़ा बन चुका है, और उसमें कुछ पूंजीपति दबंगई लोग है जो इनको दबा रहे हैं कि इनका जो बिहार सरकार के द्वारा भूदान कमिटी से मिला हुआ था, इसको पेपर को, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं बता रहे, और अभी ऑनलाइन बता रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन तो अभी हुआ है, ऑनलाइन तो मैं, आखिर हम ही लोग ना करवाए हैं, चढ़वाए हैं, तो इन गरीब लोगों को जब भूदान में मिला था ये लोग नहीं चढ़वा पाए, तो अगर उनकी बड़प्पन थी तो इनका जमीन को भी चढ़वा देते, ऑनलाइन करवा देते, रसीद कटवा देते, प्रोसेस जो होता है करा देते, लेकिन वहाँ हमको मेरे जानने के अनुसार लगता है कि वहाँ सभी लोगों की मिली भगत की वजह से इन लोगों का सही हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसका उपयोग हम लोग जानकारी सीओ को भी दिए, सीओ से हम लोग आग्रह किए कि इनका जमीन नपवा करके और अलग करवा दीजिए, लेकिन सीओ साहब हम लोगों के पास कुछ और बोलते हैं, उन लोगों के पास और कुछ बोलते हैं, और इस तरह से किसी को लिखित कागज मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, और जबरन भेजते हैं कि आप लोग अपना जमीन है तो आप लोग जाइए जोर दिखा करके अपना जमीन अपना कब्जा में कर लीजिए। तो जब इस तरह का अगर रहता तो हम लोग प्रशासनिक मदद मांगने क्यों आते, और इसीलिए जब हम लोग अपने खलारी प्रखंड से थक हार चुके तब हम लोग राजधानी में आए हैं, और मुख्यमंत्री जी को भी, राज्यपाल जी को, और डीसी साहब को, एसी साहब को हम लोग आवेदन दिए हैं, और आगे अभी और हम लोग पुनः फिर अंचल अधिकारी, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों को भी दे करके और इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिन भूमिहीनों को जीवन यापन के लिए भूमि दी गई थी, फिर एक बार जमीन दलालों की नजर इनकी भूमियों पर है। अब यह सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, लोकल विधायक को गंभीरता से सोचना होगा, और जिला प्रशासन को सोचना होगा कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए और इनका जीवन यापन कैसे चलेगा अगर लोग इनकी भूमि को छीन लेते हैं तो। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।